हाँ तो यूट्यूबर्स, अगर आपके कॉमेडी चैनल से और आपको थंबनेल बनाने नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा कि अमित बड़ाना, राउंड टू हेल और भी जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके थंबनेल यानी कि उनके कॉमेडी वीडियोस के थंबनेल कैसे बना सकते हैं एकदम सेम टू सेम। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब वीडियोस में अगर सही ढंग से थंबनेल नहीं लगाएंगे, सही ढंग से अगर थंबनेल नहीं बनाएंगे तो उस वीडियोस पर व्यूज आना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल में नए आए हैं तो नीचे में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज चला जाए। हम लोग थंबनेल को मोबाइल के पिक्सेल लैब एप्लीकेशन से बनाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि पिक्सेल लैब एप्लीकेशन कहां मिलेगा, सिंपल सा प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है पिक्सेल लैब, ऊपर में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग पिक्सेल लैब ओपन कर लिए हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहला आप लोग ऊपर में 3 डॉट मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोग इमेज साइज पर क्लिक कर लेना है और कस्टम की जगह पर आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आप लोगों को डिलीट कर देना है, ऊपर में आप लोगों को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ओके पर हटा देना है। उसके बाद आप लोगों को एक आसमान का इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पर यस कर देना है और आप लोगों को फुल साइज यहाँ पर कर देना है। उसके बाद ऊपर में लेयर को क्लिक करके आप लोगों को लॉक लगा देना है। फिर आप लोग ऐसे दीवार वाला फोटो एक इंपोर्ट कर लेना है और आप लोगों के यहाँ पर नीचे में मिल जाता है 16:9, इस पर सिलेक्ट करके आप लोगों को ऊपर कोई और यहाँ पर क्रॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है और इसको आप लोग ऐसे चपटा कर देना है, आप लोग जिस हिसाब से चपटा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रियलिटी साइज में आना है और नीचे में साइज आप लोगों को 100 पर कर देना है, यहाँ पर यस कर देना है और इसको नीचे एकदम ले आना है। अगर छोटा ज्यादा हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे नीचे कर देना है और यहाँ पे बीच में सिलेक्ट कर देना है। दीवार को फिट करने के बाद आप लोग ऐसे घास वाला एक पीएनजी ऐड कर लेना है, यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ। इसको आप लोगों को इसको चपटा कर देना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों को चपटा कर देना है। अब अपने इमेज के हिसाब से कीजिएगा, मैं यहाँ पर अपने इमेज के हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आधा हो रहा है, ठीक है। लेयर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा और इधर मैं साइड में और एक यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पर मैं तीनों कैरेक्टर पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब आप लोगों को इसको सही जगह पर आप अपने हिसाब से बैठा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बैठा लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों का इस लेयर को हम लोग बैठा लेते हैं, इसको हम लोग 100 पर कर देते हैं, यहाँ पे साइज में चलते हैं और इसको हम लोग 100 पे कर देते हैं और इसको हम लोगों को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। तो इस जगह पर क्लिक करके हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, देख सकते हो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। आप लोग जो भी पीएनजी ऐड कर रहे हो धीरे धीरे आप लोगों को लॉक लगाते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हाइड कर दिया था, अब इसको अनहाइड कर देता हूँ और इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके सेट कर लेते हैं। उसके बाद अब आता है इस पीएनजी को हम लोगों को कैसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रॉप कर जाता हूँ, इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों का पीएनजी कुछ इस टाइप करके अच्छा लगेगा। यहाँ पर यस कर लेता हूँ। अब आप लोगों को देखो ये जो पीएनजी है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, लाइक इतना कुछ बड़ा कर लेना है। आप अपने हिसाब से कीजिएगा, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। और अब आप लोगों को ये पीएनजी जो है उसको भीतर लेके जाना है, यानी कि दीवार के भीतर लेके जाना है। तो लेयर पर क्लिक कर लेना है और इस पीएनजी को आप लोगों को वो दीवार के पीछे ले आना है, देख सकते हो भीतर चला जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ऐसा बिल्डिंग का पीएनजी इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ। और अब इस पीएनजी को आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इसको मैं कुछ इस टाइप करके यहाँ पे सेट किया हूँ, लेकिन इसको भी आप लोगों को दीवार के पीछे लेके जाना है। लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ पे दीवार के नीचे लेके आएंगे। मैं यहाँ पर अपने पीएनजी को यहाँ पर ऐसे हाइड किया था, इसको मैं अब अनहाइड कर दिया। अब आप लोगों को ऐसा लाइट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ। और ये वाला जो लाइट है इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है हम लोगों को, पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों को बिल्डिंग के साइज पर कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बड़ा कीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसका हम लोगों को कैरेक्टर के नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इसको कैरेक्टर के नीचे यहाँ पर ला लूंगा और इसको लॉक लगा दूंगा। लेकिन इसको कलर को चेंज करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है और ग्रेडियंट पर जाना है और आप लोगों को इस प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को देख सकते हो चौथे नंबर पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को राइट साइड पर जो ब्लैक सेलेक्ट आ रहा है उसको आप लोग क्लिक कर लेना है, कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को येलो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को लेफ्ट साइड पर व्हाइट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करके फिर से कलर पर क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा रेड ले लेना है यहाँ पर आप लोगों को। फिर आप लोग येलो वाला राइट पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों दोनों साइड यहाँ पे आर पार कर देना है और थोड़ा सा इसको आप लोगों को कर सकते हो ऐसे कुछ करके, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो हम लोगों का कलर चेंज कर दिया है और यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से बैठा लेते हैं थोड़ा सा। अब आप लोगों को ऐसे नारियल का पेड़ वाला पीएनजी आप लोग ऐड कर लेना है, यस कर देना है और आप लोगों को छोटा करके यहाँ पर ऐड कर देना है, देख सकते हो कुछ इस टाइप करके आप लोगों को ऐड कर देना है। यहाँ पर छोटा आप लोग अपने हिसाब से छोटा कर लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। और सबसे पहले छोटा बच्चा को पीएनजी को थोड़ा साइड कर लेता हूँ क्योंकि कैरेक्टर में ज्यादा ही आ जा रहा है, तो इसको मैं छोटा में क्लिक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग फिर से नारियल पेड़ पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस टाइप करके। और आप लोगों का जो ये नारियल का पेड़ है उसे आप लोगों को फिर से नीचे लेके जाना है, घास के नीचे लेके जाना है। तो फिर से हम लोग लेयर पर क्लिक करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे और घास के नीचे लेके आएंगे और इस पर लॉक लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों को ऐसे लाइटिंग वाला पीएनजी ऐड कर लेना है, यहाँ पर मैं छोटा कर लेता हूँ इसको भी। और इस साइड आप लोगों को ये लाइटिंग वाला पीएनजी ऐड करके यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब लाइटिंग वाला स्टैंड यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर लिया है, लेयर में क्लिक करेंगे, इसको लॉक लगाएंगे और जो हम लोगों का लाइट था सूरज वाला लाइट था उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी हो गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे लाइट में हम लोग थोड़ा सा फिट कर लेते हैं। लेकिन इसका जो कलर है आप लोगों को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में देख सकते हैं कलर के ऑप्शन पर चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दूसरा कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम लोग ये लाइट भी सिलेक्ट हो गया है, लेयर पर क्लिक करेंगे, इस लाइट को भी हम लोग लॉक लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों को फिर से ऐसे नारियल वाला पेड़ का पीएनजी ऐड कर लेना है, यहाँ पे यस कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर कुछ इस टाइप का रह सके, देख सकते हो कुछ इस
छाप कर मैं रख रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा ही रखना है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर में प्लस आइकन का मिल रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और एक न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। इसमें आप लोगों को लिखना है अपने हिसाब से जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इंटरव्यू लिख लिया हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे में और हम लोग फॉन्ट में चल जाते हैं। फॉन्ट में जाने के बाद अब आप लोग रिसेंट में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है एक फॉन्ट टोक्यो बोल्ड नाम का, इसमें हम लोग क्लिक कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हो ये फॉन्ट आप लोगों को जैसा आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कलर पर सिलेक्ट कर लेना है, साइड में कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेडिएंट पर जाना है। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा कलर पर तो आप लोगों को यहाँ पर ये वाला ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है और जहां पर आप लोगों को व्हाइट मिल रहा है उस पर क्लिक करके आप लोगों को ये वाला यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लेना है। ओके पर क्लिक कर देना है। फिर जहां पर ब्लैक सिलेक्ट आ रहा है वहां पर क्लिक करके आप लोगों को कलर सिलेक्ट कर लेना है और पूरा यहाँ पर आप लोगों को येलो वाला सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोग ये जो ऑरेंज कलर मिल रहा है इसको आप लोगों को थोड़ा स्लाइड करके यहाँ पे हाफ पे कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे स्लाइड कर लेना है और यहाँ पर आप लोग मिल जाता है इनर शैडो, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर एनेबल कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है ये येलो वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑफसेट एक्स को हम लोगों ने 10 पर रखा है और ऑफसेट वाई को हम लोगों ने 5 पर रखा है। यहाँ पर यस कर लेते हैं और देख सकते हो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब आप लोगों को साइड में मिल जाता है एक स्ट्रोक का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है, इनेबल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को रेड कलर सिलेक्ट कर लेना है और मिनिमम यहाँ पर आप लोगों को 10 पर कर देना है। अब देख सकते हो हम लोग का जो टेक्स्ट है वो अच्छा वाला वाइब दे रहा है, यहाँ पर यस कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग जैसे ही लेफ्ट साइड पर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है क्रॉप का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है और यहाँ पर -15 पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं -15 पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर यस कर देता हूँ और अब अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग बैठा लीजिएगा। मैं यहाँ पर अब छोटा कर लेता हूँ, साइड पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट को कुछ ऐसा सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देसी भी तो लिखना है, इसके लिए आप लोग लेयर पर क्लिक कर लेना है और टेक्स्ट की जगह साइड में एडिट का ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोग फिर से लिखना है एडिट ऑप्शन पर आके, देसी को हम लोगों को टेढ़ा नहीं करना है इसलिए हम लोग साइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हम लोगों ने क्रॉप्स पर टेढ़ा किया था उसको हम लोग 0 पे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यस कर लेंगे और देसी को हम लोग छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देसी इंटरव्यू को मैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पर फिट किया हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, अपने इमेज के हिसाब से कीजिएगा। मेरा इमेज कुछ इस टाइप का है इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। अब आप लोगों को चेन का एक PNG आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं छोटा करके अब इसको भी यहाँ पे सेट करता हूँ। यहाँ पर मैं चेन को ऐसे सेट किया हूँ लेकिन अगर टेक्स्ट के नीचे रहेगा तो अच्छा लगेगा क्योंकि ऊपर में थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पर मैं लेयर को क्लिक करूंगा और टेक्स्ट के नीचे इसको लेकर चला जाऊंगा और यहाँ पर लॉक लगा दूंगा। अब उसी चेन को हम लोग फिर से कॉपी करना है क्योंकि एक साइड चेन देने से दूसरा साइड भी तो देना होगा, इसलिए लेयर पर क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन की क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप पे चला जाएंगे और यहाँ पे क्रॉप पे जाने के बाद इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। अब इसको हम लोग फिट कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है अगर उसमें आ जाता है तो आप लोगों को कैरेक्टर सबसे ऊपर लेके आना होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला मेरा कैरेक्टर है तो यहाँ पर मैं एडिट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ऊपर लेकर चला जाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पर ऊपर आ जाता है और हम लोग का जो लॉक था वो हम लोग जो चेन था वो हम लोग का नीचे चला जाएगा। अब इस टाइप का आप लोगों को शैडो ऐड कर लेना है, यस पर क्लिक कर देना है और आप लोग इसको चपटा कर लेना है और पूरा फुल स्क्रीन पर कर देना है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके इसको भी आप लोगों को लॉक लगा देना है ताकि कोई भी यहाँ पर PNG या कोई भी इधर उधर हिल ना जाए, फिर आप लोगों का प्रॉब्लम होने लग जाएगा। उसके बाद ऐसे कार का एक PNG ऐड कर लेना है, यस पर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को कोने में इसको बैठा देना है। उसके बाद ये कार का PNG को भी आप लोगों को लॉक लगा देना है और जो हम लोगों ने ये सूरज का लाइट दे रहा था अब कार के जो लाइट्स होते हैं उस पर हम लोगों को देना है, इसीलिए हम लोग लाइट्स पे कॉपी करना है। यहाँ पर चले जाते हैं लाइट्स पे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दोनों पे सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी दोनों तरफ हम लोगों ने लाइट सेट कर लिया है। अब हम लोगों को जो हम लोगों का पंछी ब्लैक ब्लैक कलर का उड़ रहा था उसको अब यहाँ पे ऐड करना है। ब्लैक पंछी हम लोग ऐड हो चुका है। यहाँ पर हम लोग 3 क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि सब जगह पर सब चीज नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अपने हिसाब से दे दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से दे देता हूँ, सिर्फ आप लोगों को बैठाना है, आप लोगों को सिखाने के लिए वाला मैं थंबनेल बनाया। अब आप लोगों को इतना हड़बड़ी में नहीं करना है, आप लोगों को सोच समझ कर करना है। फिर से हम लोग यहाँ पे लॉक लगा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं किसी दूसरी जगह पर देने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक पंछी को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है और आप लोगों का थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि कितना सारा PNG ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाते हैं और इतना मेहनत करने के बाद आप लोगों का ऐसा थंबनेल बनेगा और आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। सिर्फ मैं आप लोगों को ये सिखाने के लिए ऐसा कुछ आप लोगों को PNG मैंने ऐड किया है, ऐसा कैरेक्टर ऐड किया है। आप लोगों को कैरेक्टर भी अच्छे अच्छे ऐड करना है तभी आप लोगों का थंबनेल और मजा लगेगा देखने में। इस थंबनेल को बनाने में जो PNG और फॉन्ट मैंने यूज किया है अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक रखता हूँ, सिर्फ 57 जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप लोग कॉमेडी वीडियो के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करते हो और आप लोगों को थंबनेल बनाने नहीं आता है इसके लिए ऊपर वाला वीडियो क्लिक करो, वरना नीचे में पूरा YouTube कोर्स फ्री में मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जाके पूरा देख डालो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।